हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परतापुर इलाके में आ गए हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर एक हवाई जहाज गुजरात से लाया गया है और ये हवाई जहाज जो है ओल्ड स्क्रैप में आया है यहाँ पर, और कोई कंपनी से इसे खरीद करके लाया है। और जो लाने वाला शख्स है वो उसका नाम वगैरह तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक ड्राइवर है उनके और वो खुद एक मुसीबत में फंस गए हैं। और मुसीबत भी कैसी कि वो 15 दिन से ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और 15 दिन से वो उसे ले जा नहीं रहा है और उसके सामने परेशानी पैदा हो गई। उसे रखवाल करनी पड़ती है इसकी और कहीं कोई चोरी ना हो जाए, इसका कोई स्क्रैप ना पुर्जा ना चुरा ले या कोई दूसरी तरह की कोई। ये तो अच्छा है कि यहाँ सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आगे से सड़क बंद है, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये आगे से सड़क बंद है और ये सड़क बंद होने की वजह से यहाँ इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने देखिए ग्रैंड टोयोटा का शोरूम है और ये एसआर का ऑफिस है। ये फैंटेसी वर्ल्ड है यहाँ पे और ये मेरठ का हम वो इलाका दिखा रहे हैं आपको। और आप बैठे हो आपने यात्रा की ओर, तो ये जो ये हवाई जहाज का जो बैलेंस बनाता है ये वहीं पर है जो बैलेंस बनाता है और इसी के से जो है हवाई जहाज जो उठता है। ये देखिए इस तरह का, चलिए मैं बताऊँ, कैमरा करीब से लाइए। ये जो विंग्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन विंग्स में फ्यूल होता है। हाँ। और जब प्लेन रुकता है, जब प्लेन लैंड करता है, हाँ, तो उस टाइम पे ये विंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये पूरे फ्लैप खुल जाते हैं, हाँ, तो खुलने के बाद ये उसको एयर के उसमें सपोर्ट करते हैं। जब वो नीचे आता है तो ये मेन काम करता है। पूरा स्क्रैप है, बाकी कुछ है नहीं, जो भी फ्यूल वगैरह होता है इसी के अंदर होता है। इसके अंदर होता है, हाँ, हाँ, फ्यूल होता है। और ये इसका जो मेन जो बीच का जो वो मलबा है या जो भी कहेंगे हम, वो आगे 15 किलोमीटर आगे खड़ा है, वो 15 किलोमीटर आगे जो है वो खड़ा है। और ये जो है, क्या नाम है तुम्हारा? अजय, एक मिनट। देवेंद्र कुमार पांडे। हाँ, बताइए आप कब से आपकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर? एक महीना हो गया मेरा। तो आपकी गाड़ी क्यों खड़ी है एक महीने? माल नहीं मिल रहा है आपको। अब ये देखिए लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन ये गाड़ी वाले माल नहीं मिल रहा। राजस्थान के भीलवाड़ा से आए हैं और लॉकडाउन का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। लॉकडाउन किया है सिर्फ गाड़ी वाले को परेशानी में डालने के लिए, गाड़ी वाले का कोई सुविधा नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में गाड़ी वाले का जो 10 का सामान है वो 20 का आ रहा है। हाँ। जो टोल टैक्स है उनका निश्चय मूल्य 200 का है, वो 200 ले रहा है पावती और 1000 रुपये ऊपर से ले रहा है माल ओवर साइज। टोल टैक्स से गुजरो मेरा पास चालान है, पुलिस वाले अलग प्रेशर कर रहे हैं, उससे गुजर के आ जाओ भाई। गाड़ी पे अकेला आदमी है, ड्राइवर अकेला है, टोल टैक्स में फॉलो कर लिया, घूमना लो आगे लग गया। मतलब फुल तरह से गाड़ी वाले ये पूरा जिंदगी का दुनिया का वो क्या बोलते हैं मसीहा है, पर गाड़ी वाले का कोई भी सुधर नहीं। अच्छा, आप जो जैसे गाड़ी लेके आए हैं ये कितनी कीमत होगी बताएंगे? इसका तो पता नहीं। आपके जो पर्ची में कीमत बनाई होगी इसकी, जो आपको बिल्टी एंट्री बनी होगी इसका पैसे में बनी, हाँ, बिल्टी में कितनी कीमत है ये तो मैं देखा नहीं आपने। तो आप 15 दिन से खड़े हैं, तो एक बार नाम और बता दें। मोहम्मद बाकी बिल्ला, मोहम्मद बाकी बिल्ला है ये, और कलकत्ता से 15 दिन से ये गाड़ी इनकी यहाँ पे खड़ी है। तो आपको मालिक क्या कह रहे हैं, कब आएंगे? मेरा मालिक ऐसा दूसरा गाड़ी लेके आ रहा है, या तो कल या तो परसों पहुँच जाएगा। वो अजमेर से मद्रास गया, मद्रास से गाड़ी और ऐसा गाड़ी है वो लेके आ रहा है। ये गुजरात से आप चले थे, कितने दिन में पहुँचे हैं? आपका 2 दिन में आप पहुँचे थे और जब से 15 दिन से आप यहाँ खड़े हैं। और वो बाकी जो गाड़ी है वो कहाँ खड़ी आ रही है? ये मटेरियल मेरे में पकड़ी है। हाँ। और जिसका जो जहाज का जो है वो आगे खड़ा है, वो आगे खड़ा है, इसी तरह से वो भी गाड़ी में आगे है। हाँ। जहाज गाड़ी में है आगे और ये पंखड़ी है दोनों जो है, और ये लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग आए भी हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। आपका वीडियो भी है, मैं समझती हूँ। कहाँ मेरठ भी रहते हैं आप? परतापुर के। कौन से गांव में रहते हैं? तो आपने देखा कि क्या महसूस किया यहाँ पर, आप देखने आए थे क्या है? लोग जैसे निकलते हैं लोग देख के निकल जाते हैं।
सारा खुल चुका है, अगर आगे ड्राइवर को चोरी ले जा रहे यहाँ पर लोकल देखते हैं। क्या नाम है आप? कुछ चला जाए अच्छा, जहाज में कभी देख आप बैठे नहीं? जहाज देखा भी नहीं करीब? जहाज की पकड़ी देख रहे हैं आपको अंदाजा था कि जहाज की पकड़ी इतनी बड़ी होगी? आपको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी? कितने फीट होगा ये आप अंदाजा लगाइए? 90 फीट की है गाड़ी की वो, हाँ 45 फुट की है दोनों वो। सर मैं यहाँ बख्तापुर फैक्ट्री में अंतर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट वो जो काम है, क्योंकि लोग इसे देखते हैं एकदम आया है भाई आज एकदम उसको ब्रेक लेते हैं और 2-3 गाड़ी दो ठुकरी है ये हाईवे पे स्टे खड़ी रखी है। सबसे ज़्यादा खतरनाक काम यहाँ पर होने लग रहा है और वही पुलिस वाले आगे तक करते हैं दो या काम यहाँ पर 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट आप सर अभी आए हुए हमारे पास में, कभी आप देखो किस तरह कांच होता है। आदमी गाड़ी जा रही है और तो आई हवाई जहाज खड़ा हुआ है सब देखने के लिए एक्सीडेंट मारते हैं आदमी। तो यहाँ ये देखिए ये जहाज को देखने के चक्कर में कुछ लोग जैसे अपनी गाड़ी स्लो करते हैं उनका ध्यान इधर आता है तो इधर गाड़ी भी टकरा रही है एकदम सब एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये एक खतरा पैदा हो रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ से गाड़ी को हटाए। क्या नाम है आपका? संजय मलिक। संजय मलिक जी ये जो हम खड़े हैं ये जगह, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का ये गांव डाबका के बाद इसमें है योगीपुरम चौकी के सामने गांव डाबका में। गांव डाबका ये मेरठ जिले में, मेरठ जिले में जी, मेरठ जिला बाईपास के पास हम लोग खड़े हैं और ये देख रहे हैं आपको दिखा रहे हैं ये हवाई जहाज खरीद करके कोई साहब लाए हैं गुजरात से। और ये यहाँ पर कितने दिन से खड़ा है? ये काफी टाइम से खड़ा है, करीब 15-20 दिन हो गए। हाँ 15 दिन करीब हो गए हैं इसको। और अब इसको ये दाऊद की कंपनी का बताते हैं कि दाऊद की कंपनी का है। अब ये तो ये आया, अब ये तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, अब ये बता रहे हैं ये यहाँ पे हैं, यहाँ के हैं ये जी। अच्छा शर्मा जी आपका होटल है ये? हाँ जी। तो ये जो है लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं और ये जो मालिक हैं इसके वो इसे ले जा क्यों नहीं रहे? क्या दिक्कत आ गई है? कुछ किराया मतलब ये ट्रक का, हाँ पेमेंट नहीं में आ रहा है। अच्छा ट्रक मालिक जो है वो इसे ले जा नहीं रहा क्योंकि उसे पेमेंट नहीं दी गई है, पेमेंट नहीं दी गई। और इसी तरह का वो प्रतापपुर में भी खड़ा है, पंखड़िया लेकर के वो प्रतापपुर में खड़ा है। वो हमने वहाँ बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ वो मालिक जो है आ नहीं रहे हैं और वो अपने जो ट्रक के मालिक है उनसे पैसा मंगा करके खा रहे हैं अपना। तो यहाँ पे कौन है इसके ट्रक के ड्राइवर? अच्छा चाय वाय पीने गए हैं जो इस वक्त हम आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मेरठ के जी जी। तो यहाँ लोग इसे देख रहे हैं, आकर्षण का केंद्र बन गया है और हाँ और इसे ड्राइवर के लिए मुसीबत बन गई है। हाँ वो ड्राइवर जो है ना जा सकते हैं ना इसे खाली कर सकते हैं। हाँ पूरे दिन कोई ना कोई प्रदर्शनी के लिए आप रहे। तो ये जो इस पे बैनर टांगा ये पहले ही टांगा था अभी टांग दिया? अच्छा ये प्रचार के लिए किसी ने अपना बैनर भी टांगा? कॉलेज में है, कॉलेज में जाएगा ये। हाँ बीबी है ना जाएगा ये। बेताब समाचार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।